भारतीय टीम ने जब जीती थी अपनी पहली टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान उस समय था विरोधी। अगर भारतीय टीम की बात करी जाए तो भारत में क्रिकेट को इतना पसंद करा जाता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीरीज और जो भी इतने दिन पहले हुई थी, 1952 में भारतीय टीम ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती थी और इस सीरीज में हमारा विरोधी और कोई नहीं पाकिस्तान था। पाकिस्तान के साथ लोग लगातार मैच तो देखते आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि भारतीय टीम ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज किसके खिलाफ और कब जीती थी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि भारत में क्रिकेट के धर्म बनने से बहुत पहले लाला अमरनाथ ने 1933 में देश से पहला टेस्ट शतक बनाकर भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपना नाम पहले ही दर्ज करा दिया था। लेकिन 1952 के अंत में उनका गौरव का क्षण आया जब उन्होंने भारत की कप्तानी की। टेस्ट सीरीज जीत यह जीत मीठी थी क्योंकि यह पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देता था। भारत ने दिल्ली और बॉम्बे में क्रमश पहला और तीसरा टेस्ट मैच जीता और अंततः श्रृंखला में 2-1 से बहुत बेहतरीन जीत हासिल करी, जिसके बाद अब भारत ने जब से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भारत दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम है। देख सकते हैं आप कि हमने कभी 1952 से लेकर अभी तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से जीत चली आ रही है और अब भारतीय टीम के कप्तान कोहली बन चुके हैं। और जब से लाला अमरनाथ के बाद से भारतीय टीम ने कितना अच्छा खेल दिखाया है और अब तक दिखा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। हर्ष की रिपोर्ट।